सिंगरौली जिले को मिली मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात। सांसद व विधायक का प्रयास हुआ सफल। ऊर्जा धानी में खुशी की लहर। भाजपा जिलाध्यक्ष ने जताया खुशी। 28 सितंबर जिले की बहुप्रशिक्षित मेडिकल कॉलेज की मांग पूरी हो गई है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली ने सिंगरौली जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। जिले को मिली इस बड़ी सौगात के सही मायने में किए जा रहे हैं। सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक, सिंगरौली देवसर धोनी एवं चितरंजी के विधायकों द्वारा जारी सतत प्रयास अंततः सफल हुआ है। सिंगरौली भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने सांसद जिला के इस प्रयास पर खुशी जाहिर की है। दरअसल जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। क्षेत्रीय सांसद रीति पाठक व सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य, धोनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम, चितरंजी विधायक अमर सिंह एवं देवसर विधायक सुभाष वर्मा लगातार प्रयास कर रहे थे, जिनको लेकर सिंगरौली जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने सौगात पर खुशी जाहिर की और कहा, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया था कि इस जिले में मेडिकल कॉलेज माइनिंग कॉलेज बहुत ही अतिशीघ्र खोले जाएंगे और मैं आज जो मेडिकल कॉलेज खोला गया उसके लिए मैं विशेष रूप से खुलने की जो अनुशंसा हम सबों को ज्ञात हुई है उसमें मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत बहुत अपने जिले की ओर से बधाई देता हूँ। साथ ही हमारे जनप्रतिनिधि माननीय सांसद श्री रीति पाठक जी एवं सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य, देवसर विधायक सुभाष वर्मा जी और जो भी हमारे दोनों अन्य विधायक जो चितरंगी विधायक और धोनी विधायक हैं उन सबों के अथक प्रयास का यह रिजल्ट मिला कि सिंगरौली जैसे जिले को एक मेडिकल कॉलेज की सौगात। सिंगरौली जिले में मेडिकल कॉलेज खुले बहुत ही आवश्यकता है और मैं सिंगरौली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि नवरात्र का शुभारंभ आज से हो रहा है। और आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि 2013 से मेडिकल कॉलेज सिंगरौली में स्थापित हो इसके लिए प्रयासरत रहा। शिवराज सिंह हमारे मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने कहा क्या चाहते हो अपना लिख के सब दे दो। हम लोगों ने एजेंडा बना के दे दिया था, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एयरपोर्ट, सिंचाई की सुविधा, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बड़े बड़े कॉलेज खुले जिसके संबंध में उन्होंने सारी कार्यवाही आज असम धनबाद के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए तैयार हुआ और कैबिनेट में पहुंचते पहुंचे सरकार का चुनाव आ गया और बदल गई। पर ये बात तय था कि तुम्हें अगले सत्र माने अगले पंचवर्षीय योजना में मेडिकल कॉलेज मिलेगा, ऐसा आश्वासन भी मुख्यमंत्री ने भी दिए थे। और आज बढ़िया है कि दोबारा हमारे केंद्र में मोदी सरकार बनी, सांसद रीति पाठक दोबारा जीती और हम सब प्रयास करते थे अपने विधायक और सिंगरौली में जहां आपको ड्रामा सेंटर बन रहा है उस जमीन को भी हमने आमंत्रित कराया था। कन्या महाविद्यालय के लिए जमीन वहां जो बन के चल रही है ऐसे तमाम वही इसी जगह में चाहता हूँ मेडिकल बने तो एक साथ बने। सिंगरौली में 16 एकड़ जमीन खाली है और भी जमीन बहुत है। सिंगरौली जिले में लंबे समय से मांग आती रही है मेडिकल कॉलेज को लेकर। मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है और हमारे यहाँ काफी आबादी होने के नाते गंभीर बीमारी के कारण कहीं न कहीं हमारे लोग हमारे यहाँ की जनता दम तोड़ देती थी अस्पताल जाते जाते। कहीं न कहीं आज जो मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को, माननीय हमारे सीधी सिंगरौली सांसद जी को, जो कि हमने इस विषय को विधानसभा में क्वेश्चन के माध्यम प्रश्नकाल के माध्यम से हमने विषय रखा था और जवाब के माध्यम से कांग्रेस सरकार के लोगों ने जो उनके मंत्री हैं उन्होंने जवाब देते नहीं बना उनको, उन्होंने सीधा सीधा विषय को टालते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके यहाँ 200 किलोमीटर दूर है जो कि रास्ता सही है, सही ठीक हो सकता है। मगर कहीं न कहीं हम तीनों विधायकों के सहमत से आज जो ये उपहार मिला है
बहुत ही धन्यवाद, खुशी उत्पन्न करता हूँ, गर्व करता हूँ।